हमीरपुर में करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले में 25 जगहों पर रेड की गई। एसआईटी ने क्रिप्टो करेंसी मामले से जुड़े हुए लोगों के घरों में दबिश देकर महत्वपूर्ण रिकॉर्ड कब्जे में लिए हैं। इस दौरान पुलिस ने मामले में कई लोगों से पूछताछ की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने रेड की पुष्टि करते हुए बताया कि नादौन, सुजानपुर, बड़सर थानों के तहत ये कार्यवाही अमल में लाई गई है और विभिन्न जगहों से बैंक रिकॉर्ड, लैपटॉप और मोबाइल कब्जे में लिए गए। वहीं पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल भी जब्त कर लिए। इसके साथ ही कई अन्य दस्तावेज पुलिस ने अपने अधीन कर लिए। एसआईटी के निर्देशानुसार पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई पूरे हमीरपुर जिले में हुई है। एसआईटी जो हमारी क्रिप्टोकरेंसी का केस देख रही है, उसके अफसर आए थे, उनके साथ हमने थाना नादौन, सुजानपुर, हमीरपुर और थाना बड़सर के जो अधिकार क्षेत्र हैं उनमें हमने एसआईटी के साथ रेड की है और वहां से कुछ हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं जो अभी शेयर नहीं की जा सकती। प्रदेश पुलिस क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड मामले में कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। मामला बड़ा था, संगीन होने के चलते कई लोग संदेह के घेरे में चल रहे थे। सूत्रों की माने तो अकेले हमीरपुर से ही 100 करोड़ के आसपास रुपए क्रिप्टोकरेंसी में लगे हैं, जो कि डूब चुके हैं। पैसा डबल करने के खेल में फंसे हुए लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। मामला उजागर होने के बाद अब जांच की जा रही है। इसके लिए एसआईटी गठित की गई है, जिसके माध्यम से मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। सूर्य समाचार के लिए हमीरपुर से जसवीर कुमार की रिपोर्ट।